डोर टू डोर प्रचार अभियान के अंतिम दिन में सुजानपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मनोज ठाकुर ने आज अपना जोरों शोरों से प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वार्ड में जो भी समस्या होगी उसे हल किया जाएगा। वार्ड नंबर 4 में जो पिछले 10 वर्षों से कच्ची गलियां हैं उन्हें पक्का किया जाएगा। सुजानपुर नगर परिषद में पूर्व अध्यक्ष रहे और वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी मनोज ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार लोग खुद ही घर से निकलकर प्रचार में डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का निवारण करना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी और डोरी मोहल्ला में आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए सोलर तार लगवाई जाएगी तो बाढ़ में कीचड़ की समस्या को दूर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डोली में बस अड्डे को भी शिफ्ट करने के लिए नगर परिषद बनने पर तुरंत काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में पहले भी रहकर विकास कार्य करवाए हैं और इस बार भी लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिससे अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सर, जो मैंने पिछले 3 इलेक्शन लड़े हैं, अभी चौथा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, तो ऐसा जो चौथे इलेक्शन का रुझान है वो जिंदगी में मैंने पहली बार देखा है। लोग अपने आप मेरे साथ घर से निकलकर मेरी वर्करी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं वो शायद अपनी जमानत तक बचा पाएंगे। ऐसा है कि जो मेरे को वार्ड नंबर अभी 4 मिला है, वार्ड नंबर 3 से मैं अपनी जगह ऐसी सीट रिजर्व होते ही मैं अपने छोटे भाई दीप कुमार को टिकट दिलाया है। वो 3 नंबर से लड़ रहे हैं, वो भी 3 नंबर से अच्छे खासे वोटों से जीत रहे हैं। सबसे अहम मुद्दा वार्ड नंबर 4 का है, जिस वार्ड में अभी हम खड़े हैं। यहाँ जो लोग हैं 90% लोग हैं, उनकी ज़मीन जो है वो यहाँ बल्ला में है, जिसकी बर्बादी जो है आवारा पशु बंदर वगैरह जो है उसको चट कर देते हैं। तो सबसे पहली मेरी डिमांड यही होगी कि जितने भी गरीब लोगों का बल्ला है, जहाँ खेती बाड़ी इनका इनकम का साधन है, वहाँ करंट वाली सोलर तार जो है वो कांटे वाली लगाई जाएगी। दूसरा यह है कि जो जिस गली में हम खड़े हैं ये पिछले 10 सालों से इसका हाल देख रहे हैं, कीचड़ ही कीचड़, पानी पानी, इसका सबसे पहले टाइल लगाकर सुधार किया जाएगा। गली में जो बस अड्डे की जगह, वो पहले जब मैं प्रधान था उसी टाइम मैंने NOC वगैरह सब कुछ तय कर दिया है, अब उसको शिफ्ट करने का समय आ गया है। जैसे ही नगर परिषद रजिंदर राणा की बनती है, कांग्रेस की कमेटी बनती है, तो रजिंदर राणा के सहयोग से, स्थानीय जनता के सहयोग से सबसे पहले जो मार्च के अंत तक बस अड्डा जो है वो डोली में शिफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा।